सरकार के निर्देश पर राज्य में मूर्ति विसर्जन अधिनियम 2021 प्रभावित हो गया है। अब कोई भी पूजा समिति बूढ़ी गंडक समेत किसी भी नदी में मूर्ति का विसर्जन नहीं कर पाएगी। इसके लिए नदी किनारे आश्रम घाट पर कृत्रिम तालाब तैयार किया गया है। अधिनियम का उल्लंघन करने वाली पूजा समिति को 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अधिनियम के प्रभावी होने से नदी की जगह कृत्रिम पोखर में मूर्ति का विसर्जन किया गया। आश्रम घाट में नदी किनारे कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया है। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए इसे लागू किया गया है। नगर निगम को इस अधिनियम के तहत पूजा समितियों को अलग अलग तालाब में मूर्ति विसर्जन के लिए टैग किया गया है। एनटीजी के आदेश पर किसी भी नदी में मूर्ति प्रवाहित करना वर्जित कर दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू नियम नए अधिनियम के अंतर्गत राज्य के सभी नगर निगम को तालाब का निर्माण कराना था। मूर्तियों में उपयोग किए गए सिंथेटिक कपड़े आभूषण सजावट की वस्तु और पूजा सामग्री के साथ फूलों को अलग करना है। पूजा समितियों को घोषणा पत्र देना था कि मूर्ति में प्लास्टर ऑफ पेरिस पारा मैग्नीशियम आर्सेनिक कांच कृत्रिम रंग और क्रोमियम जैसे तत्वों का उपयोग नहीं किया गया है। विसर्जन स्थल पर प्रतिमा से अलग किए गए सामग्री को जलाना भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई है कि प्रतिमा विसर्जन के बाद जमा ठोस अपशिष्ट पुआर लकड़ी कील और जूट जैसी सामग्री एकत्र कर कचरा प्रबंधक स्थल ले जाया जाएगा। इसके लिए 48 घंटे का समय निगम को दिया जाएगा। नियमावली में मूर्ति विसर्जन करने वाली पूजा समिति पर शुल्क लगाने का अधिकार नगर निगम और नगर निकायों को होगा। मूर्ति विसर्जन वाले स्थल के पानी की गुणवत्ता की 3 बार जांच होगी। पहली बार तालाब का निर्माण कराने के बाद, दूसरी बार मूर्ति विसर्जन के दौरान और तीसरी बार विसर्जन के बाद पानी की जाँच होगी। इसकी रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण पार्षद की वेबसाइट पर अपलोड करनी है। पानी में पीएच बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टोटल साजिट और मेंटल पारा कांच और कंक्रीट विटी का पता लगाना है।